अररिया में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठक कर राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही अररिया सांसद पर भी जमकर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना काल में पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। किसी भी अस्पताल में समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने कहा है कि रानीगंज के जदयू विधायक अश्मित ऋषि देव की पत्नी का समुचित इलाज नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। और इसके साथ ही महासचिव जितेंद्र यादव ने कहा है कि कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले पूर्व सांसद पप्पू यादव को झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस रखने वाले सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही नीतीश कुमार का सुशासन है। गरीब को एक मास्क नहीं पहुंचा, आपके हॉस्पिटल में सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है तो पंचायत में आप कैसे करवाएंगे? आप क्या कर रहे हैं? बिहार आपको देख रहा है। बिहार और बिहारी को नीतीश जी बचा लीजिए। और आपका मंत्री कहता है कि स्टाफ नहीं रहने के कारण वेंटिलेटर की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। और एक एमपी कहते हैं कि ड्राइवर के अभाव में एम्बुलेंस कार्यालय पे है। वो आपके बपोती संपत्ति नहीं है रूढ़ी जी, वो सरकार की संपत्ति है। वो सीएस के हवाले जिला पदाधिकारी के निरीक्षण में।